आपको बता दें कि ये वीडियो उस वक्त का है जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का काफिला रास्ते से गुजर रहा था। दरअसल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुक्रवार को बाराबंकी दौरे पर आए थे। इसी दौरान उनका काफिला जब बाराबंकी शहर से गुजरा तो रोड पर कुछ छुट्टा जानवर आ गए, जिसके बाद छुट्टा जानवरों के आने से सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी सख्ते में आ गए और उन्होंने आनन फानन में इन छुट्टा जानवरों को सड़क के किनारे किया। इसके बाद काफिला वहां से गुजर गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले के सामने छुट्टा जानवर आने का यह वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने छुट्टा जानवरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए कई ठोस कदम उठाने की घोषणा की थी, लेकिन फिर भी ये समस्या आज भी आम बनी हुई है। बाराबंकी जिले में भी छुट्टा जानवरों का आतंक है। सड़क हो या खेत, लोग छुट्टा जानवरों से परेशान हैं। छुट्टा जानवर रोड पर झुंड लगाकर घूमते रहते हैं, जिनसे लोगों का निकलना दूभर रहता है। वहीं खेतों पर ये छुट्टा जानवर पहुंचकर किसानों की फसल को नष्ट कर देते हैं, जिससे किसान भी काफी परेशान है। ऐसा पहली बार नहीं है कि छुट्टा जानवरों के झुंड का कोई वीडियो वायरल हो रहा हो। इससे पहले भी छुट्टा जानवरों के झुंड के कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं, जिसमें उनका आतंक साफ तौर पर देखा जा सकता है और उनके आतंक से परेशान होकर कई बार तो स्थानीय लोग पशुओं को स्कूल में भी बंद कर देते हैं। सरकार वादे तो कर देती है, मगर जब उसे पूरा करने की बारी आती है तो सरकार के सारे वादे धरे के धरे रह जाते हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार कब जागेगी और वो कब छुट्टा जानवरों के आतंक से बचने का समाधान निकाल पाएगी।